Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार, मेरा नाम सदन झा है और हम लोग इस कोर्स में, इस लेक्चर सीरीज में आधुनिक भारत के ऊपर केंद्रित इतिहास लेखन की बदलती प्रवृत्तियों को, बदलते रुझानों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जब 19वीं सदी की बात हम करते हैं तो उसके उत्तरार्ध में विशेष रूप से और 20वीं सदी के आरंभिक सालों में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के आर्थिक प्रभावों के ऊपर विस्तार से बातें हो रही थी और उस आर्थिक आलोचना का भारतीय इतिहास लेखन में एक अहम भूमिका रहा। यह भूमिका इतना व्यापक और इसकी अहमियत इतनी गहराई के साथ आगे आने वाले 100-125 सालों के इतिहास वृत्ति में बैठी कि इसने न मात्र आर्थिक संरचना व्यवस्था प्रक्रिया आदि के बारे में हमारे ज्ञान को आमूल रूप से प्रभावित किया, बल्कि इसका प्रभाव हमारे सामाजिक ज्ञान, हमारे ऐतिहासिक नजरिए, हमारे राजनीतिक चेतना, हर क्षेत्र पर पड़ा और हर क्षेत्र को 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विकसित हो रहे इस आर्थिक आलोचना ने बहुत फंडामेंटली प्रभावित किया। हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में संकल्पनात्मक स्तर पर, भले ही तथ्यात्मक हम बहुत यहाँ आंकड़ों में जाने से बचेंगे, 19वीं सदी के उत्तरार्ध की बात जब हम कर रहे हैं और 20वीं सदी के आरंभिक दशकों की, इस दौर में जैसा कि हमारे दर्शक परिचित होंगे, यह उदारवादियों का दौर था और उदारवादियों, मॉडरेट्स जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उनकी आलोचना ब्रिटिश राज्य की आर्थिक नीतियों के इर्द गिर्द केंद्रित रही और यही वह जमीन है जहां जिसकी बात हम यहां आज करना चाहते हैं। इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण नाम हैं, जिनसे हम सभी बचपन से इतिहास के छात्र के रूप में परिचित रहे हैं, लेकिन जिन्हें दोहरा देना जरूरी है, उनमें दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे,
रोमेश चंद दत्त, सुब्रमण्यम अय्यर आदि अत्यंत ही उल्लेखनीय हैं। हम यहां इस आर्थिक आलोचना के तीन चार महत्वपूर्ण अवयवों घटकों की बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला तो 1815 से लेकर 1850 की जो अवधि अर्थात 19वीं सदी की का पूर्वार्ध जो रहा उसकी आर्थिक समीक्षा जिस प्रकार से इन बुद्धिजीवियों ने की और यहां वे इससे पहले भी 1765 में अंग्रेजों को दीवानी मिलने के बाद से जो अर्थव्यवस्था विकसित होती रही भारत में, जो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां रही उसको लेकर इन बुद्धिजीवियों ने जिस प्रकार से सिद्धांत गढ़े और जिस प्रकार से जिस गहराई से उन्होंने तथ्यों को साक्ष्यों को जनता के सामने रखा उसके बारे में हम संक्षेप में बात करेंगे। और यह इसलिए भी जरूरी है कि जब ये बुद्धिजीवी जैसे दादा भाई नौरोजी या रोमेश चंद दत्त इस समय की आर्थिक समीक्षा कर रहे थे तो वे साक्ष्य के रूप में अंग्रेज अफसरों द्वारा दिए गए वक्तव्यों का ही इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए उनकी प्रमाणिकता पर संदेह नहीं रह जाता है और अंग्रेजी हुकूमत के लिए भी उनके तर्कों को झुठलाना बेहद ही दुरूह था। और यहां से इन उदारवादी आर्थिक आलोचनाओं को एक व्यापक जनाधार मिला और इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा हिस्सा होगा वह रेलवे के ऊपर जो और रेलवे की जो अहमियत भारतीय अर्थव्यवस्था में 19वीं सदी में रही उसके संबंध में बात करेंगे। फिर हम अंग्रेजी शुल्क नीति और कर नीति के बारे में संक्षेप में बात करेंगे और साथ ही जो आयात निर्यात का खेल चल रहा था उसके आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे छात्र भी इस बात से वाकिफ होंगे कि 18वीं सदी में इंग्लैंड अपने दोनों प्रतिस्पर्धियों फ्रांस और जर्मनी की तुलना में काफी आगे निकल चुका था और यह वह संदर्भ है औद्योगिक क्रांति का जिसने वाणिज्यवाद को नई मुकाम दी, नई संश्लिष्टताएं दी और 19वीं सदी का जो पूर्वार्ध जो यहां हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वहां इसे उदारवादी साम्राज्यवाद की भी संज्ञा दी गई है, जहां
साम्राज्यवाद और मुक्त बाजार एवं फ्री ट्रेड के बीच में, इन तीनों अवयवों के बीच में, साम्राज्यवाद, मुक्त व्यापार लेसेस फेयर जिसे कहते हैं, और फ्री ट्रेड के बीच में एक गहरा सांठगांठ हम पाते हैं। यहां हम दूसरी तरफ यह भी नजर रखें कि अंग्रेजों की जो नजरिया था भारत के प्रति, वह उनका उनके जो दूसरे श्वेत उपनिवेश थे जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनकी तुलना में भारत के प्रति उनका नजरिया बहुत भिन्न था। भारत के प्रति उनका नजरिया, जैसा कि हम पहले के लेक्चर में देख चुके हैं, एक खास तरह के सभ्यता जनित विमर्श से संरचित हो रहा था, और यहां व्हाइट मैन बर्डन और उनकी जो मिशनरी जो उनकी दिलचस्पियां थी वह सब केंद्र में था। तो एक तरह का एसिमिट्री, असंतुलन आप कह सकते हैं, नए उपनिवेशों के प्रति और नए उपनिवेशों और उनके पुराने जो श्वेत उपनिवेश थे उनके बीच। यह इसलिए ध्यान में रखना जरूरी है कि इस तरफ बार बार उनका ध्यान 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भी भारतीय बुद्धिजीवियों ने दिलाया, खासकर राममोहन राय इस ओर मुखर थे, और उन्होंने ट्रस्ट डिफिसिट को कम करने की बात कही। तो यह ट्रस्ट डिफिसिट को यदि मैं संक्षेप में और थोड़ा सा इस पर समय लेकर बताऊं, तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इस दौर को समझने के लिए उदारवादी साम्राज्यवाद, जहां राज्य साम्राज्यवाद, लेसेस फेयर और फ्री ट्रेड एक दूसरे से गठजोड़ कर रहा है, उस गठजोड़, उसकी संश्लिष्टता को समझना जरूरी होगा, उसको ध्यान में रखना होगा। इस गठजोड़ को अपने आप में गलत नहीं माना जा रहा था उस दौर में। इस गठजोड़ को ब्रिटेन के औद्योगिकरण की जरूरतों को के लिए आवश्यक माना जा रहा था, और इसलिए जेम्स स्टुअर्ट मिल जैसे बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री इस बात पर बल दे रहे थे कि पूंजी और श्रम का एक जगह से दूसरे जगह जाना वह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए, मानव समाज के लिए, वैश्विक स्तर से यदि हम सोचें तो वह जरूरी भी है और हितकारी भी है। तो उपनिवेशवाद की अहमियत उस औद्योगिक परिस्थितियों की में देखा जा रहा था,
और उसकी प्रशंसा की जा रही थी। जहां मिल जैसे कह रहे हैं कि उपनिवेशवाद की उपयोगिता की प्रशंसा हेतु हमें किसी एक देश पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है, हमें समग्रता से सोचना होगा, यह मिल की विचारधारा मैं यहां आपके समक्ष रख रहा हूं। और उन्होंने कहा कि पूंजी और श्रम का पुराने से नए देशों की तरफ निर्यात उन जगहों से जहां उनकी उत्पादक क्षमता कम है, उनसे ऐसे जगहों की तरफ जहां उनकी उत्पादक क्षमता अधिक हो, यह जो परिवहन है यह विश्व के पूंजी और श्रम की कुल उत्पादकता को बहुत अधिक बढ़ा देता है। इससे पुराने और नए देशों के संयुक्त धन बहुत बढ़ जाती है। यह मात्रा किसी अल्प समय के परिवहन व्यय से कई गुना अधिक हो जाता है। तो मिल के लिए यह फायदे वाली औपनिवेशिकता थी, बेनिफिसेंट टाइप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, जो कि आर्थिक विकास के लिए एक जरूरत उन्होंने माना। साथ ही जैसा कि मैंने बीच में राममोहन राय का संक्षेप में जिक्र किया, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जब पूंजी और श्रम का उपनिवेशों से मदर कंट्री की तरफ स्थानांतरण हो रहा है, तो ऐसे में यह लाजमी है पूंजी और श्रम के उत्पादन क्षमता को बरकरार रखने के लिए कि दोनों ही देश दोनों ही तरफ फायदे हों, वहां असंतुल एसिमिट्री ना हो। क्योंकि यदि यह एक तरफा फायदा होगा तो औपनिवेशिक समाज मातृ देश के प्रति जो ट्रस्ट है वह लूज कर जाएगा। तो राममोहन राय ने, आप एक तरह से कह सकते हैं कि मिल के जो या उस समय के जो औपनिवेशिकता की फायदे थी उसे बरकरार रखने के लिए ट्रस्ट की अहमियत पर बल दिया। और यह कड़ी राममोहन राय और मिल को इस तरह से भी जोड़ता है कि मिल ने कहा कि जो ब्रिटिश पूंजी की कल्याणकारी भूमिका है या ब्रिटेन का पूंजी निर्यातक देश के रूप में जो उसकी भूमिका है और उपनिवेशों की जो पूंजी आयातक पिछड़े देश के साथ जो उसका संबंध है, उस संबंध के प्रति भी मिल मुखर थे। जो बात हमने अभी राजा राममोहन राय के बारे में कही, और मिल कह रहे थे कि व्यापार के अनफेवरेबल टर्म्स और इससे जो
होने वाली शोषण, जैसा कि भारत जैसे उपनिवेशों में हो रहा था, वह बेहद ही हानिकारक है। और मिल के इसी आलोचना ने उन्हें 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो भारतीय बुद्धिजीवी आर्थिक आलोचना गढ़ रहे थे, उनके प्रति, उनके मन में मिल के प्रति प्रशंसात्मक बीज बोए। उस समय पूंजी के कल्याणकारी स्वरूप में विश्वास था बुद्धिजीवियों का, लेकिन साथ ही राममोहन राय और मिल दोनों ही साकांक्ष भी थे और दोनों ही भारत और ब्रिटेन के बीच की जो संबंध था उसकी विशिष्टताओं के तरफ भी उनका नजर था, जहां वे देख रहे थे कि ब्रिटेन जिस तरह से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे अपने श्वेत उपनिवेशों के साथ बर्ताव कर रहा है, वही बर्ताव वह भारत के साथ नहीं कर रहा है। ब्रिटेन का औद्योगिक प्रभुत्व एक सर्वमान्य तथ्य बन चुका था, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, 2/3 कोयला विश्व का आधा लोहा, आधा सूती कपड़ा और 40% हार्डवेयर ब्रिटेन प्रोड्यूस कर रहा था। और इसका मिलाजुला असर यह था कि ब्रिटिश पूंजी श्रम और ब्रिटिश स्किल, इन सब के साथ अंग्रेजी माइग्रेंट्स श्वेत उपनिवेशों में जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि में एक आधुनिक आर्थिक संरचना को जन्म दे रहे थे। वहां इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन हो रहा था। तो ऐसे में सवाल यह उठता है, जो कि बात के आर्थिक इतिहासकारों के बीच एक अनसुलझे लंबे विवाद का विषय भी रहा, कि क्या भारत में मध्य 19वीं सदी में आर्थिक औद्योगिकरण की संभावनाएं मौजूद थी। क्या भारत इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था? यदि हां, तो किन कारणों से भारत में इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया, जबकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे ब्रिटेन के ही दूसरे उपनिवेशों में इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन? इस सवाल से आर्थिक इतिहासकार अलग अलग तरीके से जूझते रहे, जिस पर हम फिर कभी विस्तार से लौटेंगे। लेकिन यदि संक्षेप में कहें
तो इतिहासकारों ने, अर्थशास्त्रियों ने मोटे तौर पर दो रास्ते अख्तियार किए इस सवाल से जूझने के लिए। एक वर्ग, एक समूह वह है जिसने माना कि ब्रिटिश पूंजी निवेश का जो मूलभूत स्वरूप था और जिस तरह से यहां उसे लागू किया गया, दोनों ही भारत में औद्योगिकरण या आर्थिक आधुनिकीकरण के प्रति दिलचस्पी कतई नहीं ले रहे थे। अर्थात कि पूंजी के मूलभूत स्वरूप में ही भारत का आर्थिक पिछड़ापन निहित था इस औपनिवेशिक पूंजी के। दूसरी तरफ ऐसे विद्वानों का समूह है जिन्होंने भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण भारतीय समाज के अंतर्विरोधों में ढूंढा। यह एक लंबी बहस है, यहां उस तरफ मैं महज इशारा कर रहा हूं। संभव होगा तो हम लोग फिर वापस उस तरफ लौटेंगे, लेकिन यहां पहले हम जो ड्रेन थ्योरी के कुछ अन्य पहलू हैं जिनका इस सवाल से सीधा ताल्लुक है उसकी तरफ हम लौटते हैं और उस संदर्भ में मैंने इस विमर्श का जिक्र किया। वापस 19वीं सदी के मध्य में जब हम पहुंचते हैं और जैसा कि मैंने अभी बताया कि किस तरह से ब्रिटेन वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अपना आधिपत्य जमा चुका था और वह विश्व के कारखाने के रूप में उभर चुका था, एक सक्रिय धुरी था वैश्विक मल्टीलैटरल सिस्टम का। देखिए, रेलवे हमारे इस विमर्श का एक अहम अवयव है क्योंकि उस समय, यहां तक कि कार्ल मार्क्स ने भी कहा कि यदि भारत में आधुनिक औद्योगिकरण आएगा तो वह रेलवे के रास्ते से आएगा। तो एक बहुत सकारात्मक नजरिया मध्य 19वीं सदी के दशकों में हम पाते हैं रेलवे को लेकर, और कार्ल मार्क्स या अन्य जो इस तरह के सकारात्मक रुझान जो नजरिया जिनमें था रेलवे को लेकर कि रेलवे आधुनिकीकरण का सूत्रपात करेगा, वह दरअसल उनका जो अमेरिकी आर्थिक परिस्थितियों के प्रति समझ थी या फिर इंग्लैंड में जिस तरह से रेलवे का इतिहास रहा उसको उसके आधार पर थी। अमेरिका में दरअसल रेलवे देसी पूंजी की मांग को फॉलो कर रहा था। देसी पूंजीपति वहां निवेश कर रहे थे और
उसका सीधा असर वहां के उद्योग धंधों के विकास में, वहां के आर्थिक विकास में परिलक्षित हो रहा था, जबकि भारत में ऐसा नहीं था। भारत में रेलवे देसी पूंजीपतियों के आग्रह से नहीं शुरू हुई थी। यहां यह दरअसल ब्रिटेन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण जरिया था। 1855 से 1910 तक रेल मार्ग, 1940 तक रेल इंजन तथा मशीनरी, और 1865 तक तो कोयला भी इंग्लैंड से ही आता था। तो रेल के साथ, रेल के विकास के साथ जो उससे जुड़े हुए उद्योग धंधे हैं, उससे जुड़े हुए जो आर्थिक महकमे हैं, उनका विकास जब तक न हो तब तक रेलवे किसी देश के लिए फायदेकारी नहीं हो सकता है। यह रेल मार्ग देश के विकास धारा के बाहर की चीज थी। और इस तरह से दरअसल यह रेलवे धन के दोहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का में मुख्य भूमिका अदा कर रही थी, न कि आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण के विपरीत इन बुद्धिजीवियों ने माना, और बाद के भी आर्थिक इतिहासकारों ने माना, कि रेलवे भारत में आर्थिक पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारक रहा। तो आर्थिक औद्योगिकरण तो नहीं ही लाया, यह आर्थिक पिछड़ेपन को इसने, और इसका इसीलिए आर्थिक इतिहासकारों ने बाद के समय में हमें दिखाया कि जहां जहां रेल मार्ग से जो जो क्षेत्र जुड़ा वहां भी औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो रफ्तार रही वह अधिक तीव्र रही। और भी लेखन है जो रेलवे ने किस तरह से भारत में पिछड़ेपन को प्रभावित किया, किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, अल्प विकास का विकास किया आदि पर केंद्रित रही। यहां एक दूसरा पहलू है जो रेलवे के साथ महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, वह है कि एक जैसा मैंने अभी कहा कि यहां देसी पूंजीपति रेलवे में विनिवेश नहीं कर रहे थे, इंग्लैंड के पूंजीपति रेलवे में विनिवेश कर रहे थे, और उनके लिए यह व्यवस्था थी कि जो भी रेलवे में विनिवेश करेगा भारत में, उसे न्यूनतम 5% की दर से सूद मिलेगा ही, चाहे उस विनिवेश से फायदा हो या नुकसान हो, 5% न्यूनतम सूद की गारंटी रेलवे में विनिवेश के साथ ही पूंजीपतियों को मिल जाती। अब यह दिलचस्प है कि यह जो 5% न्यूनतम सूद की गारंटी उन्हें दी जाती थी,
वह दरअसल भारत से होने वाले आय का एक हिस्सा था जिसे होम चार्जेस कहा जाता था, कि 5% न्यूनतम गारंटी और इसका भुगतान होम चार्जेस के थ्रू हो रहा है। होम चार्जेस दरअसल आता कहां से है और क्या है यह? तो यह वह राशि है जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 के बाद से, जब उसे दीवानी मिली तब से लेकर जो वह यहां शासन कर रहा है, तो उससे संग्रहित कर का एक हिस्सा है जो दरअसल ब्रिटेन में, क्योंकि उनके लिए ब्रिटेन इंग्लैंड होम हुआ, तो इन पदाधिकारियों के ऊपर व्यय होने वाला जो खर्चा है, या फिर जैसे रेलवे में जो 5% न्यूनतम सूद की गारंटी पूंजीपतियों को दिया जा रहा था, यह जो खर्चा है इसका भार भारत से उत्पन्न कर द्वारा जो संग्रहित धन है उसके लिए किया जाता था। अर्थात भारतीय दरअसल भारतीय करदाता दरअसल इस 5% विनिवेश का भार उठा रहे थे जो कि ब्रिटिश पूंजीपतियों को दिया जा रहा था एक गारंटी की तरह। और इतना ही नहीं, इसमें ब्रिटेन में जैसा मैंने अभी कहा कि जो इंडिया ऑफिस चल रहा था, भारत सचिव वहां हुआ करते थे, या अन्य भी भारतीय उपनिवेश के प्रशासनिक मदों में जो खर्च हो रहे थे, ये सभी भारतीय करदाताओं से वसूला गया पैसा था जो भारत से ब्रिटेन आता था और वहां के अनेक तरह के प्रशासनिक व्ययों में जिसका खर्चा होता था। तो दरअसल भारत पर राज्य भारतीय करदाताओं के कंधों पर चढ़कर ही हो रही थी, और जाहिर है इसका भारत के बाजार पर तो कोई सकारात्मक असर होगा नहीं। यह विनिवेश भारत में तो नहीं हो रहा था। अब इसके साथ हम आयात निर्यात के बीच हो रहे संश्लिष्टता की तरफ अपना ध्यान ले जाते हैं। शुरुआती में चाय खरीदने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी आय से पैसे देने होते थे। 1833 में सरकारी स्वामित्व और निर्देशन में पहली बार असम में चाय बगीचों की शुरुआत हुई, और इसके पीछे यही उद्देश्य था कि चाय की खरीद में जो पैसा
व्यय हो रहा था उसे बचाया जाए। भारत से उत्पन्न चाय, चाय एक उदाहरण मैंने यहां दिया, दूसरी तरफ अफीम की खेती में ईस्ट इंडिया कंपनी दिलचस्पी ले रही थी और खेती से अधिक अफीम के व्यापार में। तो भारत से अफीम सस्ते दामों में खरीदा जाता और उसे चीन में बेचा जाता। फिर चीन इस लाभ से चीन का सामान खरीदा जाता और अन्य मुल्कों में बेचा जाता। तो दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व में व्यापार कर रहा था जिसमें भारत के अफीम और चाय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आयात निर्यात के खेल में और इन दोनों तत्वों के बाद, इन दोनों बाजार के बाद ही जो ट्रेड डिफिसिट था वो दरअसल सरप्लस में बदल चुका था। अर्थात पूर्व के बाजारों का नियंत्रण वह वहीं से उत्पन्न होने वाले फायदों के आधार पर कर रहा था। लेकिन इस व्यापार को पर नियंत्रण करने के लिए उस ब्रिटेन ने कई तरह की शुल्क नीतियों को लागू किया। क्योंकि भारत में विलायती वस्तुओं का बाजार बहुत सीमित था, खरीदार बहुत कम थे, जो कि ब्रिटेन के पक्ष में नहीं था। ऐसे में 1858 से लेकर 1874 तक अनेक परीक्षण किए गए जिसमें औद्योगिक पदार्थों विशेषतः सूती कपड़ा और सूत पर कर बढ़ा दिए गए। अर्थात ब्रिटेन आने वाले सूती कपड़ा पर जो आयात शुल्क था वह बहुत बढ़ा दिया गया, जिससे कि ब्रिटेन के सूती उद्योग को संरक्षण दिया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन से भारत आने वाले औद्योगिक पदार्थों, सूती कपड़ों पर जो शुल्क था वह बहुत कम कर दिया गया। तो एक तरफ आप शुल्क बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ शुल्क कम कर रहे हैं। ১৮৬০ से इसी नीति के तहत हम पाते हैं कि आयातित पदार्थों पर कम से कम शुल्क और निर्यातित कच्चे माल पर, निर्यातित अर्थात भारत से निर्यातित,
कच्चे माल पर शुल्क न लगाया जाए, इस बाबत जोर था। अठारह से 1894 का जो पीरियड है वह शुल्क नीति के इतिहास में अगले चरण के रूप में हम पाते हैं, जहां मामूली आयातकर था जो उससे पहले था उसे भी समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से अब स्पष्ट रूप से ब्रिटेन की नीति थी कि भारत से अधिक कच्चे माल का निर्यात हो सके और भारत से अधिक तैयार माल का आयात हो सके। तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति की सारी जद्दोजहद इस बाजार को संरचित करने की थी। जो सतह पर तो मुक्त व्यापार लेसेस फेयर के छद्म नाम से परिलक्षित हो रही थी, लेकिन जहां गहरा उद्देश्य था कि भारत को कच्चे माल के निर्यातक के रूप में विकसित करना और ब्रिटेन के औद्योगिक तैयार माल के बाजार के रूप में विकसित करना। इसी का एक दूसरा पक्ष यह भी था कि जो कि जैसा कि मैंने पहले कहा होम चार्जेस की बात मैंने कही, उसी तरह 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी अनेक, क्योंकि साम्राज्यवाद का विस्तार हो रहा था तो अनेक युद्धों में भाग ले रही थी इस विस्तारीकरण के कारण, या फिर 1857 में जब भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम हुआ, या फिर उसे आप सिपाही विद्रोह कहें जो भी कहें, इन सभी युद्धों विद्रोहों पर खर्च होने वाला जो व्यय था उसका सीधा सीधा भार भारतीय करदाताओं पर था। अर्थात भारत को भारत के ही भारतीयों के ही कर के आधार पर जीता जा रहा था युद्धों में। यहां यह भी दिलचस्प है कि जो अंग्रेजी सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक या ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन में जब हस्तांतरित हुई सत्ता उसके सैनिक, उनकी जहां से नियुक्ति होती थी या भारत में आने वाले अधिकारियों की पदाधिकारियों की जहां से नियुक्ति होती थी वहां से उस समय से उनके प्रशिक्षण आदि पर भी जो खर्चा होता था ब्रिटेन में उसका भी भार भारतीय करदाताओं पर ही था। और अमूमन अंग्रेज सैनिकों पर जो खर्चा हो रहा था वह भारतीय सैनिकों की तुलना में दोगुना था। 1857 के बाद अंग्रेज और भारतीय सैनिकों का अनुपात भी कम हो गया। तो इस तरह से लबोलवाब यह कि एक बड़ा हिस्सा जो साम्राज्य को चलाने में जो व्यय हो रहा था उसका
सीधा बोझ भारतीय करदाताओं पर था और इन वेतनों के जरिए, युद्ध में होने वाले इन व्ययों के जरिए यह पैसा भारत से इंग्लैंड चला जा रहा था। भारत में इनका फिर से विनिमेश नहीं हो रहा था, भारतीय बाजार में यह फिर से सर्कुलेट नहीं हो रहा था। इस सब का संयुक्त रूप, इन सभी के तार एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसा मैंने यहां संक्षेप में बताने का प्रयास किया। और इस मॉडल को, इस आर्थिक मॉडल को, इस संरचना को पहली बार इन उदारवादी अर्थशास्त्री बुद्धिजीवियों ने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में और 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में भारत के जनमानस के सामने रखा, जिसे कुल मिलाकर ड्रेन थ्योरी के रूप में हम पाते हैं। दरअसल इस ड्रेन थ्योरी के द्वारा और आंकड़ों के द्वारा, जैसा मैंने शुरू में कहा, ये आंकड़े ब्रिटिश अफसरों के वक्तव्यों और उन ब्रिटिश ऑफिशियल फाइल्स के आंकड़े थे जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता था। इनके जरिए दादा भाई नौरोजी ने बड़ी कड़ी आलोचना ब्रिटिश साम्राज्यवाद की और उन्होंने इसे अन ब्रिटिश रूल कहा, अर्थात ब्रिटेन जो नैतिकता के मापदंड विश्व के सामने रख रहा था यह उसके ठीक विपरीत था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस ब्रिटिश शासन और इस तरह की नीतियों का प्रभाव यह हो रहा है कि भारत में दो किस्म का भारतीय समाज दो पार्टों में बंट रहा है, एक जो उत्तरोत्तर गरीब होता जा रहा है और दूसरा जो ब्रिटिश पूंजी या उसके सहयोगियों सहयोगी उसके मातहतों का ग्रुप है, समूह है, जो कि उत्तरोत्तर समृद्ध होता जा रहा है। तो भारतीय समाज, उन्होंने कहा, कि ब्रिटिश शासन के प्रभाव से दो पार्टों में बंट गया। यह एक बहुत असरदार आलोचना थी जिसकी प्रतिध्वनियां हमें बाद के समय में भी, चाहे वह राष्ट्रवादी चेतना के विकास में हो या फिर इतिहास के विमर्श में हो, हमें बारंबार सुनाई पड़ती रही। इसलिए भी इस पूरे मॉडल को संक्षेप में ही सही, मेरे लिए यह जरूरी था कि आपके सामने रखा जाए। एक बार यदि मैं फिर से बहुत संक्षेप में सारे तारों को मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालूं यहां, तो हम लोग यहां इस लेक्चर में 19वीं सदी के अंतिम दशकों में और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जो उदारवादी भारतीय बुद्धिजीवियों के द्वारा ड्रेन थ्योरी की संकल्पना, धन के दोहन की बात की गई, जिसके जरिए उन्होंने
ब्रिटिश साम्राज्यवादी आर्थिक नीतियों का की आलोचना की, उसके बारे में बात कर रहे थे। इसमें हमने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उपनिवेशवाद को लेकर और जिसे मिल ने बेनेफिसेंट कॉलोनियलिज्म कहा, उसकी आवश्यकताओं के बारे में उस समय जो नजरिया था उसके बारे में बात की। हमने राजा राममोहन राय और मिल की बात भी की, जहां उन्होंने इसके एक्सप्लॉयटेटिव आस्पेक्ट की भी तरफ ध्यान दिलाया, लेकिन कुल मिलाकर वह एक आशावादी दौर था। फिर हमने रेलवे की बात की, वहां भी रेलवे को मध्य 19वीं सदी के दशक में एक आशावादी की तरह ही देखा जा रहा था, उसे आर्थिक औद्योगिकरण के सूत्र के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन फिर हमने यह भी बात की कि किस तरह भारत में इसने पिछड़ेपन को जन्म दिया। इसके साथ हमने कर और शुल्क नीति की बात की और आयात निर्यात की जो नीतियां थी उसके संदर्भ में संक्षेप में बात की। यहां हमने संक्षेप में जिक्र किया कि किस तरह जो निर्यात की नीति थी ब्रिटेन की, उसने भारत में भारत को दरअसल कच्चे माल के निर्यातक और तैयार माल के आयातक के रूप में परिवर्तित कर दिया। साथ ही होम चार्जेस और युद्ध व्ययों के ऊपर बात की। Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I'm not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar before they can go and sit for their school and or college exams. But I'm also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare crude, immoral, vulgar, useless. George Bernard loathed Shakespeare, as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier.